नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हम दिव्य होम में लगातार हिंदू धर्म के विविध सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते आए हैं। इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का की एक और उपशाखा माधवाचार्य संप्रदाय, जिसे ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना 12वीं सदी में आचार्य माधवाचार्य ने की थी, इसीलिए उसे माधव संप्रदाय भी कहा जाता है। 12वीं सदी में जब भक्ति आंदोलन भारतवर्ष में तीव्र होने लगा, तब कहा जाता है कि भक्ति सिद्धांत की रक्षा हेतु स्वयं वायुदेव ने माधवाचार्य के रूप में जन्म लिया था, अतः आचार्य माधव को भी वायु का ही एक स्वरूप माना गया है, जिसका जन्म दक्षिण कन्नड़ जिले के उडुपी सिवली नामक गांव में 1238 में हुआ था। माधवाचार्य का जो माधव संप्रदाय है, इसका सिद्धांत है केवल और केवल द्वैतवाद। द्वैतवाद का सिद्धांत के अनुसार विष्णु ही परमात्मा है, विष्णु ही स्वयं शक्ति है और विष्णु ही परम पवित्र, विष्णु के जो परम पवित्र आयुध है जैसे शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि के चिन्हों से अपने अंगों को अलंकृत करने की प्रथा माधव संप्रदाय में मिलती है। यज्ञों में पशु बलि को बंद कराने का सामाजिक सुधार भी आचार्य माधवाचार्य ने ही किया था। आचार्य माधवाचार्य के हिसाब से द्वैतवाद ही भक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिसके अनुसार श्री हरि विष्णु ही द्वैत और अद्वैत दोनों का साक्षात स्वरूप है। उनके पवित्र ग्रंथों में उन्होंने द्वैत दर्शन के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लीला, अनुव्याख्यान नामक ग्रंथ, श्रीमद् भागवत गीता तथा उपनिषद के ऊपर अनेक टीका टिप्पणियां लिखी है। श्रीमद् भागवत महापुराण पर टीका तथा ऋग्वेद के पहले 40 सूक्तों पर भी इन्होंने टीका लिखी है, जो आज भी माधव संप्रदाय में उनके पवित्र ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। माधव संप्रदाय का प्रमुख सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म सगुण सविशेष है, जिसे विष्णु या नारायण कहा जाता है, वह निर्गुण नहीं अपितु चैतन्य स्वरूप है, अतः विष्णु ही उत्पत्ति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरण तथा बंधन और मोक्ष के करता है। जीव में ही सत्चित्त और आनंद का निवास है, यह सिद्धांत भी माधव संप्रदाय ने इस देश को दिया। माधव संप्रदाय के आचार्य अनेक प्रकार की योग सिद्धियों, आचार्य माधवाचार्य को अनेक प्रकार की योग सिद्धियां हासिल थी, अतः अनेक सुंदर मूर्तियों में उन्होंने साक्षात विष्णु को के प्राण प्रतिष्ठित करवाए और उस सारी मूर्तियां उन्होंने भारत के विविध स्थल पर प्रसिद्ध मंदिरों में स्थापित की। श्री बद्रीनाथ धाम में उन्होंने वेद व्यास द्वारा अपनी साधना और योग बल से शालिग्राम की 3 मूर्तियां हासिल की, जो उन्होंने सुब्रमण्यम, उडुपी और मध्य तल के मंदिर में पधराई है। एक बार समाधि अवस्था में जब माधवाचार्य ने देखा कि द्वारिका के एक व्यापारी का जहाज समुद्र में डूब रहा है, कि जिस जहाज में गोपी चंदन से युक्त ढकी हुई भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी, उन्होंने अपने योग बल के प्रताप से तुरंत जल से वो मूर्ति निकाली और उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से उडुपी का जो वेद मंदिर है वो माधव संप्रदाय का रजत पीठपुर कहा जाता है, जिन्हें माधव संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। श्री माधवाचार्य की मृत्यु 1317 में 79 वर्ष की आयु में हुई थी। आज भी माधव संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध उप संप्रदाय माना जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे वैष्णव संप्रदाय के एक और संप्रदाय, जिसे हम हवेली संप्रदाय कहते हैं, इसके बारे में। देखते रहिए दिव्य होम।